अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे आप सब? उम्मीद से हैं सब खैरियत से होंगे। आज हम आपको माउंटेन लाइफ दिखाएंगे, गांव में जो पहाड़ों में लोग कैसे ज़िंदगी गुजारते हैं और वहां पर कैसे रह सकते हैं। देखिए जी, इस वक्त हम पहुंचे हैं किसी पहाड़ और झील के किनारे। यहां गांव से तकरीबन एक घंटे का सफ़र है। वहाँ पर कैसे गुजारते हैं ज़िंदगी? ज़ाहिर है यहाँ पर आपको चाय वगैरह पकाने के लिए कोई डेगची वगैरह लेना पड़ेगा, और वहाँ पर आपको गैस या तेल वगैरह तो नहीं मिलेंगे, आपको यहाँ पर लकड़ी जलानी पड़ेगी। जी हाँ, हमने लकड़ी जलाकर यहाँ चाय बनाया। बहुत ही मज़ेदार लगता है जब यहाँ पर ठंडे ठंडी जगह पर और थकावट से चूर आपको चाय पीने को मिले। जी, हमारे साथ मला यकूब साहब ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से चाय बना कर दिया है, जिसके बाद यहाँ झील में आप शिकार करके मछली पकड़ सकते हैं, और मछली भी बहुत ही आला क्वालिटी के। इस मछली को आप ट्राउट फिश कहा जाता है, और ट्राउट फिश की जो खूबी यह है कि इसमें बहुत ही कम मकदार में इसमें हड्डी होती है, हड्डी ना होने के बराबर होती है। बहुत ही मज़ेदार और मीठा। इस वक्त रात के अंधेरे छा गए हैं और हमने यहाँ पर मछली पकाना शुरू किया। ठंड है, अब ठंड को भगाने का एक ही रास्ता है, बस मछली का गोश्त। जी हाँ, मछली खाने के बाद आपको ठंड बिल्कुल नहीं लगेंगे, आपको आपके जिस्म को गर्मा देंगे। यहाँ पर हमने छोटा सा एक टेंट बनाया, टेंट उसको यहाँ पर नस्ब किया गया, और उसके टेंट के किनारे हमने यहाँ पर मछली पकाना शुरू किया है। जहाँ रात के अंधेरा छा गया है, हर तरफ सुनसान है, सर्दी है, और कीड़े मकोड़ों के चहचहाने की आवाज़ है। वाह जी, इस वक्त मछली तैयार होने वाले हैं। बहुत ही खूबसूरत रंग बिखर गया है और ठंड भी लग रही है। बस हमें बहुत जल्द मछली खाने का बहुत ही मन कर रहा है। इस वक्त हमने कढ़ाई और मछली दोनों तैयार हो चुका है और बस खाने के लिए तैयार है। टेंट के अंदर बहुत ही छोटी सी टेंगे, टेंट के अंदर हम सब बैठ गए हैं। इस तरह से ज़िंदगी गुजारते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे वीडियो देखने का। इसी तरह के मज़ीद वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। शुक्रिया बहुत बहुत।